हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम। एग्जाम फॉरम के आज इस वीडियो में हम 1 जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है saraagyan.com वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो प्रकार की पीडीएफ मिलेंगी, पहली होगी एमसीक्यू टाइप, दूसरी होगी वन लाइनर। आप जो भी चाहें आसानी से saraagyan.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में धनु यात्रा महोत्सव का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो जो धनु यात्रा महोत्सव है इसका शुभारंभ हुआ है उड़ीसा राज्य के बारगढ़ जिले में। उड़ीसा राज्य के बारगढ़ जिले में धनु यात्रा महोत्सव का शुभारंभ हुआ है, जो कि भगवान श्री कृष्ण तथा उनके मामा कंस पर आधारित कथाओं पर आधारित है। धनु यात्रा महोत्सव को विश्व का सबसे बड़ा खुला थिएटर भी कहा जाता है। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा राज्य के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, जिनकी पार्टी का नाम है BJD, बीजू जनता दल पार्टी। उड़ीसा राज्य के आपको दो शहरों का नाम याद रखना है, कौन कौन से? भुवनेश्वर और राउरकेला। भुवनेश्वर और राउरकेला में 2023 में खेला जाएगा पुरुष हॉकी विश्व कप। इस साल उड़ीसा राज्य को इनके मिशन जागा के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स में कांस्य पदक से पुरस्कृत किया गया है। उड़ीसा सरकार ने अंगदान के लिए ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए सूरज नाम का एक अवार्ड शुरू किया है। उड़ीसा सरकार ने यूनेस्को के साथ मिलकर ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन को शुरू किया है। अबुद्धा योजना, पेटा योजना, कालिया योजना, जल साथी कार्यक्रम, ये सारी की सारी योजनाएं उड़ीसा सरकार में की हैं। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए मधु नाम का ऐप शुरू किया है। उड़ीसा राज्य में आपको सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। उड़ीसा राज्य का राजकीय पशु है सांभर, जो कि एक डियर है यानी कि हिरण का प्रजाति है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा एक विनम्र निवेदन है कि हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है इस पर अभी सिर्फ और सिर्फ 2000 व्यूज़ आते हैं। हमारा टारगेट है कि विद इन वन मंथ इस पर कम से कम 5000 व्यूज आए, तो इसके लिए आप सभी को हमारा सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट करने के लिए आप सभी को इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना होगा, और अपने दोस्तों को बताइए कि डेली सुबह मॉर्निंग में 5 बजे एग्जाम फॉरम चैनल पर करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो जाता है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोग ऐसा करेंगे और हमारा जो टारगेट है विद इन वन मंथ में जरूर पूरा होगा। अगर आप भी अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। और आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं लाइक्स और शेयर का, 1000 लाइक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ई विक्रय डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ई विक्रय नाम का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये शुरू किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पर क्या हुआ, बैंकों के द्वारा जो ऋण वसूली के समय संपत्ति कुर्क की जाती है उसको नीलामी करने के लिए, ऑक्शन करने के लिए यह डिजिटल प्लेटफॉर्म ई विक्रय शुरू किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान समय में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन को हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा विश्व की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है, और इनका पूरी दुनिया में विश्व की 100 ताकतवर महिलाओं के सूची में नंबर आया है 34th। अब हम आपको कुछ अन्य वेबसाइट या पोर्टल बताते हैं जो कि रिसेंट में लॉन्च की गई, जैसे आइस डैश और अतिथि नाम का पोर्टल शुरू किया गया वित्त मंत्रालय के द्वारा। डेटा बैंक नाम का पोर्टल शुरू किया गया कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा। एम हरियाली ऐप शुरू किया गया केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। आई हरियाली नाम का ऐप शुरू किया गया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के द्वारा। रायतु बंधु नाम का मोबाइल ऐप शुरू किया गया तेलंगाना सरकार के द्वारा। नया बंधु नाम का मोबाइल ऐप शुरू किया गया है कानून मंत्रालय के द्वारा। ई गन्ना पोर्टल और वेबसाइट लॉन्च की गई है UP सरकार के द्वारा। हज मोबाइल ऐप और ई मसीहा नाम का मोबाइल ऐप शुरू किया गया है माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा। सहयात्री नाम का मोबाइल ऐप शुरू किया गया रेलवे पुलिस के द्वारा। लेडीज नाम का पोर्टल शुरू किया गया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। पैसा नाम का पोर्टल शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा। तो ये हैं कुछ रिसेंट में लॉन्च की गई वेबसाइट और ऐप जिनका नाम आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो सतत विकास लक्ष्य 2019-20 SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2019 में पहले नंबर पे रहा केरल राज्य। और ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। इस रिपोर्ट में भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का जो प्रगति है इसको सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में डिवाइड करके अलग अलग एक रैंक जारी की गई है सभी भारत के सभी राज्यों की प्रगति का, जिसका नाम दिया गया है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 और इसमें नंबर 1 रहा केरल राज्य। इस रिपोर्ट के आधार पर जो केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 राज्य रहा यह है चंडीगढ़, और बिहार जो राज्य है ओवरऑल में सबसे खराब प्रदर्शन रहा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में। अब आपको नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए इस साल 5 सूचकांक के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से, सॉरी 4 हैं, कौन कौन से। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019-20, इसमें नंबर 1 पे रहा कर्नाटक। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019-20 में पहले नंबर पे रहा केरल। स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 में नंबर 1 पे रहा केरल। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में रहा नंबर 1 केरल राज्य। ये सभी जो सूचकांक हैं नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए हैं। नीति आयोग जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक थिंक टैंक है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर सिस्टम का संबंध किससे है? तो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CEIR का संबंध है मोबाइल फोन चोरी से। इसका मतलब क्या है, जो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है इसके द्वारा अब किसी भी खोए हुए मोबाइल को ट्रैक किया जा सकता है, यानी कि अगर कोई मोबाइल चोरी कर लेता है तो अब आपको IMEI नंबर के द्वारा जो CEIR सिस्टम है ये उस मोबाइल को ट्रैक कर लेगा। ये क्या है हम देख लेते हैं। जो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है एक वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि अगर कोई मोबाइल चोरी कर लेता है उसको ब्लैकलिस्ट में डाल देता है, तो उस हैंडसेट को जो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है IMEI नंबर की सहायता से उस मोबाइल नंबर को सॉरी मोबाइल को ट्रैक कर लेगा और उसका पता लगा लेगा कि वो जो हैंडसेट है किसके पास है और कहाँ है। इससे पहले क्या होता था, जो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर था ये सिर्फ और सिर्फ सिम को ट्रैक कर पाता था, लेकिन अब जो नया लॉन्च किया गया है फीचर इसमें सिम के साथ ही साथ जो हैंडसेट होता है इसको भी ट्रैक कर लेगा, और उस हैंडसेट को ट्रैक करके इतना ही नहीं ब्लैकलिस्ट में भी डाल देगा। और जब CEIR के द्वारा उस हैंडसेट को ब्लैकलिस्ट में डाला जाएगा तो उस पर किसी भी नेटवर्क का फ़ोन किसी भी सिम का जो नेटवर्क है कनेक्ट नहीं होगा। इससे पहले इसकी पहुंच सिर्फ सिम तक थी, लेकिन अब इसकी पहुंच जो है GSMA यानी कि हैंडसेट तक हो गई है। GSMA का पूरा नाम है ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। यहाँ पर बात की गई है कि अगर कोई मोबाइल खो जाता है, गुम हो जाता है, तो उसको IMEI के नंबर द्वारा ट्रैक कर लेगा CEIR। तो IMEI नंबर का पूरा नाम है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, जो कि हर मोबाइल हैंडसेट का एक यूनिक नंबर होता है। इसी नंबर के द्वारा अगर आपकी का मोबाइल जो है हैंडसेट ट्रैक हो जाता है, कोई चुरा लेता है, तो उस हैंडसेट को IMEI नंबर के द्वारा ट्रैक करके आपको पता लगा लिया जाएगा CEIR के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय थल सेना प्रमुख के नए सेना प्रमुख बने हैं मनोज मुकुंद नरवाने। इससे पहले थे बिपिन रावत, अब बिपिन रावत 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हो गए हैं, तो उनकी जगह पर भारत के नए थल सेना प्रमुख बने हैं मनोज मुकुंद नरवाने। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि भारत के नए थल सेना अध्यक्ष बने हैं। ये बने हैं 28th नंबर के भारत के थल सेना अध्यक्ष। वर्तमान समय में भारत के नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, वायुसेना प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि एक अर्ध सैनिक बल है, इसके नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है एसएस देसवाल को। इससे पहले सीआरपीएफ के महानिदेशक थे आरआर भटनागर, जो कि 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हो गए हैं, तो उनकी अब जगह पर कार्यभार दिया गया है एसएस देसवाल को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं एसएस देसवाल। जो एसएस देसवाल हैं, ये ऑलरेडी आईटीबीपी के महानिदेशक हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ, जिसका पूरा नाम है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि एक अर्ध सैनिक बल या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंतर्गत आता है। हाल ही में सीआरपीएफ के नए मुख्यालय का शिलान्यास किया गया है नई दिल्ली में भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अब आपको 5 भारत में अर्धसैनिक बल या अर्धसैनिक पुलिस कंपनियां, इनके महानिदेशक का नाम याद रखना है, कौन कौन से? आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ और एसएसबी, ये सारे के सारे जो ग्रुप हैं, कंपनियां हैं, ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या फिर अर्धसैनिक बल इनको कहा जाता है। सीआरपीएफ और आईटीबीपी के वर्तमान में महानिदेशक हैं एसएस देसवाल, सीएसएफ के महानिदेशक हैं राजेश रंजन, बीएसएफ के महानिदेशक हैं विवेक कुमार जौहरी, एसएसबी के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। जो बीएसएफ है, ये भारत पाकिस्तान तथा भारत बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा करता है। एसएसबी भारत भूटान और भारत नेपाल के बॉर्डर की सुरक्षा करता है। आईटीबीपी भारत तिब्बत और भारत चीन के बॉर्डर की सुरक्षा करता है। सीआरपीएफ जो है, भारत के विभिन्न राज्यों को अगर कहीं दंगा हो रहा है या फिर कोई पब्लिक डीलिंग है, वहाँ पर सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। और जो सीआईएसएफ है, इसको भारत के जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं, हवाई अड्डे हैं या फिर अन्य जो कंपनियां हैं, सेल गेल बेल, वहाँ पर सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन ने नई पैसेंजर सूचना प्रणाली को शुरू किया है? तो जो नई पैसेंजर सूचना प्रणाली है, इसको शुरू किया गया है दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा, जिसका उद्देश्य स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही के समय और स्थिति की जानकारी देना। तो आपको याद रखना है, नई पैसेंजर सूचना प्रणाली शुरू की गई है दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा। कहाँ पर? तो दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा डिवीज़न के अनकापल्ली रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई है। दक्षिण मध्य रेलवे यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे जोन, इसका मुख्यालय सिकंदराबाद तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फुटबॉल का प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका नाम है ग्लोब साकर अवार्ड, इसे किसने जीत लिया है? तो जो ग्लोब साकर अवार्ड 2019 है, ये दिया गया इस साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। आप जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल देश के एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इन्हीं को इस साल ग्लोबल साकर अवार्ड्स 2019 से सम्मानित किया गया है पुरुष कैटेगरी में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लोबल साकर अवार्ड्स 2019 महिला कैटेगरी में किसे दिया गया है, तो उत्तर होगा इंग्लैंड की फुटबॉलर लूसी ब्रॉन्ज को महिला कैटेगरी में ग्लोब साकर अवार्ड दिया गया है, और पुरुष कैटेगरी में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। जो ग्लोब साकर अवार्ड्स है, ये फुटबॉल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अब आपको कुछ अन्य पुरस्कार के नाम याद रखना है। इस साल फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड दिया गया है लियोनेल मेस्सी को। यूरोपी लीग के द्वारा गोल्डन शू अवार्ड दिया गया है लियोनेल मेस्सी को। लेकिन यूएफा प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है, ये दिया गया है वर्जिल वान डिक को। फीफा के द्वारा बेल्जियम देश को टीम ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है फीफा, जिसके प्रेसिडेंट हैं ज्ञानी इन्फेंटिनो। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में। फीफा पुरुष विश्व कप 2018 में खेला गया था रूस देश में, जिसको जीत लिया था फ्रांस देश की टीम ने। अगले साल यानी कि 2022 में खेला जाएगा कतर में। उसके 4 साल बाद 2026 में खेला जाएगा 3 देशों में, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में। इस साल 2019 में खेला गया महिला फीफा विश्व कप, जिसको जीत लिया था फ्रांस देश की टीम ने, फ्रांस देश में खेला गया और इसको जीत लिया था अमेरिका देश की टीम ने। 2019 फीफा महिला विश्व कप को जीत लिया अमेरिका देश की टीम ने, जो कि खेला गया था फ्रांस देश में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2019 फीफा
क्लब वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया, तो 2019 का जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप है ये खेला गया कतर देश में, और अगले साल यानी कि 2020 में भी जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप है ये खेला जाएगा कतर देश में। अगले साल 2020 में भारत में खेला जाएगा अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 2020 में अंडर 17 फीफा महिला विश्व कप खेला जाएगा भारत देश में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2020 के राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार का निर्णय वापस ले लिया है, तो ये ऐसा किया गया है भारत देश के द्वारा। ये क्यों किया गया, तो जो राष्ट्रमंडल खेल हैं जो कि 2022 में खेले जाएंगे यूके के बर्मिंघम में, इसमें ये बताया गया था कि जो निशानेबाजी प्रतियोगिता है इसको शामिल नहीं किया जाएगा, तो भारत देश ने एक आप समझ लीजिए धमकी देना इसको दिया गया था कि अगर आप निशानेबाजी प्रतियोगिता को शामिल नहीं करेंगे तो भारत देश राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन अब इन्होंने निर्णय वापस ले लिया है, यानी कि भारत भी 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पार्टिसिपेट करेगा। जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 के हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के जो हैं ये खेले जाएंगे यूके के बर्मिंघम में। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख हैं नरेंद्र बत्रा, और नरेंद्र बत्रा जो हैं ये भारत के राष्ट्रमंडल खेलों के अध्यक्ष भी हैं, और नरेंद्र बत्रा जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट हैं। ये तीन पोस्टों पे हैं इस समय वर्तमान में। इन्हीं के द्वारा 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं इनके बहिष्कार का निर्णय वापस लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में सरकार ने रुपए और यूपीआई के इस्तेमाल पर होने वाले एमडीआर शुल्क को माफ कर दिया है, तो आपको बताना ये कब से लागू होगा। एमडीआर शुल्क वह शुल्क होता है जो कि रुपए क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के डिजिटल लेन देन पर लिया जाता है कारपोरेट या फिर व्यापारियों के द्वारा। तो जो यूपीआई इस्तेमाल तथा रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर जो एमडीआर शुल्क लगता था डिजिटल लेन देन के ट्रांजेक्शन में, अब इस शुल्क को माफ़ कर दिया गया, यानी कि अब नहीं लिया जाएगा और ये लागू होगा 1 जनवरी 2020 से, यानी कि ये जो है आज से लागू हो गया है। जो रुपए डेबिट कार्ड है या रुपए क्रेडिट कार्ड, ये एक पूर्णतया स्वदेशी कार्ड है जिसको NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। जो NPCI कंपनी ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है। NPCI के द्वारा रुपए कार्ड बनाया गया है, साथ ही साथ जो UPI है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसको भी NPCI के द्वारा बनाया गया है, और भीम जो ऐप है भारत इंटरफेस फॉर मनी इसको भी NPCI के द्वारा ही बनाया गया है। जो रुपए है ये स्वदेशी यानी कि भारत का है। मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड जो कंपनियां ये अमेरिका की फाइनेंशियल कंपनियां हैं। मास्टर कार्ड जो कंपनी है इसके CEO हैं अजय पाल सिंह बंगा जो कि एक भारतीय हैं। मास्टर कार्ड इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं क्रिकेटर MS धोनी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हवाई अड्डों पर कौन सी नई दो परियोजनाएं शुरू की गई हैं, तो हवाई अड्डों पर दो नई परियोजनाएं शुरू की गई कौन कौन सी, CACS और ई विकास, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी उपरोक्त दोनों। अब हम देख लेते हैं कि CACS और ई विकास परियोजनाएं क्या हैं। तो जो CACS परियोजना है इसका पूरा नाम है सेंट्रलाइज्ड एसेस कंट्रोल सिस्टम। इसके द्वारा इसका उद्देश्य ये है कि हवाई अड्डों पर सुरक्षा और व्यापार की प्रक्रिया को सरल बनाना, साथ ही साथ जो हवाई अड्डा के कर्मचारी हैं उनको पूर्णतया डिजिटल बनाना, यानी कि उनकी जो आवाजाही है उसको डिजिटल करना बायोमेट्रिक के द्वारा। यही है CACS परियोजना जिसका पूरा नाम है सेंट्रलाइज्ड एसेस कंट्रोल सिस्टम। दूसरी जो परियोजना जिसका नाम है ई विकास, इसका पूरा नाम है ई विकास प्रोजेक्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल, जिसका उद्देश्य है सरकार का लक्ष्य है कि जितने भी भारत के सरकारी ऑफिस हैं उनको पेपरलेस बनाना, उसी का एक हिस्सा है। इसका मेन मकसद है मैनुअल प्रक्रिया को डिजिटल प्रक्रिया में बदलना। तो ई बेसिक जो प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य है जितने भी भारत के हवाई अड्डा हैं उनकी ऑफिस को पेपरलेस बनाना। जो दूसरी योजना है जिसका नाम है CACS सेंट्रलाइज्ड एसेस कंट्रोल सिस्टम, जो कि एक डिजिटल परियोजना है जिसका उद्देश्य हवाई अड्डों की सुरक्षा तथा व्यापार की प्रक्रिया को सरल बनाना डिजिटल रूप में कन्वर्ट करके। यही दो जो परियोजना है इसको अभी अभी हवाई अड्डों पे शुरू किया गया है। वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, जो कि भारत के शहरी एवं विकास मंत्री भी हैं।
भारत में जितने भी हवाई अड्डे हैं इनके गवर्निंग तथा संचालन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल संस्था है इसका नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसके वर्तमान में चेयरमैन है अरविंद सिंह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला सुरक्षा हेल्पलाइन दामिनी किस राज्य में शुरू किया गया है? तो जो दामिनी नाम का महिला सुरक्षा हेल्पलाइन है ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के बसों में। उत्तर प्रदेश का जो रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस है जिसका पूरा नाम है UPSRTC, उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो यूपी की जो बसों में महिला सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया जिसका नाम दिया गया है दामिनी। इस नंबर का नंबर होगा 8114277770। अगर कोई महिला या फिर कोई फीमेल उत्तर प्रदेश के किसी भी बस में यात्रा कर रही है और उसको सुरक्षा की ज़रूरत है तो दामिनी जो हेल्पलाइन नंबर है इसकी मदद ले सकती है, यहाँ पर कॉल कर सकती है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकती है, ऑडियो वीडियो किसी भी प्रकार में उसको मदद दी जाएगी। यही है दामिनी हेल्पलाइन सुरक्षा नंबर जो कि महिलाओं के लिए शुरू की गई है उत्तर प्रदेश की बसों में। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा विद्युत वाहन नीति 2019 की मंजूरी दी गई है? तो आपको इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। एक बात और, अब जब भी क्वेश्चन टाइप किया करें तो उसके साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको भी जरूर टाइप किया करें। जैसे कल एक स्टूडेंट था जिसका नाम था गोल्डी मौर्य, तो गोल्डी मौर्य के नाम से जो कल कमेंट आया था इन्होंने क्या किया, जितना भी चाइना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था उस सब को यहाँ पे मेंशन किया है। इससे क्या होता है अगर आपको वो चीज़ नहीं पता है तो गूगल करेंगे या फिर किताब खोल के देखेंगे, उससे तुरंत रिकॉल हो जाएगा और वो सदैव के लिए आपको याद रहेगा।